हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग त्रिपुरा जीके के ऊपर 500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किया है, एंड आज उसी सीरीज का पार्ट 7 है। एंड आज के वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे साथ अप टू डेट रहना चाहते हो तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द किंग ऑफ त्रिपुरा वाज, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में त्रिपुरा का राजा कौन था। आपका ऑप्शन है ए महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य, बी महाराजा राधा किशोर माणिक्य, सी महाराजा बीरचंद्र माणिक्य। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू लेक इन उज्जैंतो पैलेस। ठीक है, उज्जैंतो पैलेस में जो दो लेक है इसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए रुद्रसागर एंड अमर सागर, बी राधा सागर एंड कृष्ण सागर, सी कल्याण सागर एंड राधा सागर। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मतलब राधा सागर एंड कृष्ण सागर। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है कि हु बिल्ड निर्मोहल। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए किंग गोविंद माणिक्य, बी किंग रत्न माणिक्य, सी किंग वीर विक्रम किशोर माणिक्य। तो बताओ इनमें से सही जवाब क्या होगा? निर्मोहल को किसने बनाया था? निर्मोहल को बनाया था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि हु गेव द नेम उज्जैंतो पैलेस। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए किंग वीर विक्रम किशोर माणिक्य, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महारानी कंचन प्रभा देवी। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? उज्जैंतो पैलेस का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है कि हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए बी के नेहरू, बी ए एल दियास, सी सुल्तान सिंह। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मतलब ए एल दियास, वो त्रिपुरा का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, एंड बी के नेहरू जो है वो त्रिपुरा का फर्स्ट गवर्नर था। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है कि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फॉर्म्ड ए 1 जुलाई 1963, बी 2 दिसंबर 1985, सी 1 जनवरी 1947। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा का लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद रखना इसको। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ गोमती डिस्ट्रिक्ट इज, आपका ऑप्शन है ए पानीसागर, बी अम्बाशा, सी उदयपुर। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? 97 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब गोमती डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है उदयपुर पर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि ब्लॉक इज बिगेस्ट बाय एरिया इन त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए डुम्बुर नगर, बी कंचनपुर होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, सी है विशालगढ़। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि त्रिपुरा में टोटल 58 ब्लॉक्स है, तो इन 58 ब्लॉक में से सबसे बड़ा ब्लॉक है कंचनपुर। तो 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मतलब कंचनपुर टीडी ब्लॉक। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि हु पेंड द बुक तिता शक्ति नोदिन नाम। ठीक है, मतलब तिता शक्ति नोदिन नाम, इस बुक का राइटर का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अद्वैत मल्ल वर्मन, बी नृपेंद्र चक्रवर्ती, सी नारायण रूपानी। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब तिता शक्ति नोदिन नाम, इस बुक का राइटर का नाम है अद्वैत मल्ल वर्मन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि व्हिच इज द फर्स्ट सेंचुरी इन त्रिपुरा। आपका ऑप्शन है ए गोमती, बी तृष्णा, सी सिपाही जला। तो बताओ इनमें से सही जवाब क्या होगा? इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब सिपाही जला त्रिपुरा का फर्स्ट सेंचुरी है। ठीक है, एंड ये जो गोमती है ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंचुरी है। ठीक है, याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से लार्जेस्ट है गोमती। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि फर्स्ट अगरतला बुक फेयर कमेंस्ड। ठीक है, अगरतला में पहली बार बुक फेयर कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1981, बी 1977, सी 1987।
तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब 1981 को त्रिपुरा में पहली बार बुक फेयर हुआ था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है कि व्हिच रिवर ऑफ त्रिपुरा फ्लोइंग बाय टचिंग बांग्लादेश त्रिपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ए मोनू, बी गोमती, सी फेनी। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब फेनी नदी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोनो नदी है ये त्रिपुरा का लॉन्गेस्ट रिवर है, एंड जो गोमती है ये त्रिपुरा का लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया है कि हाउ मेनी सॉन्ग्स आर कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग हिज स्टे इन अगरतला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है ए 5, बी 4, सी 6। तो इनमें सबका सही जवाब क्या होगा, इनमें सबका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब 5, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि हु इंट्रोड्यूस द प्लान विद द पत्तन। आपका ऑप्शन है ए महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य, ऑप्शन बी महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, ऑप्शन सी महाराजा वीरचंद्र माणिक्य। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनमें सबका सही जवाब क्या होगा, इनमें सबका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मतलब महाराजा वीर विक्रम माणिक्य, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ त्रिपुरा अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनमें सबका ऑप्शन दिया गया है ए डब्ल्यू बी पावर, बी ए एल दियास, सी मंसूर अली। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब ए डब्ल्यू बी पावर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।